यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा एभ्रमा यत्पादप्लवमेकैव हि भवाम्भोधे स्थितिशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके चरण ही केवल भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे श्री राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो पिछली बार हमने देखा था, हमने शुरू किया था प्रसंग, हमारे नारद जी को एक बार जब आक्रमण होता है काम का, इंद्र भगवान डर जाते हैं कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं यानी मेरी सिंहासन पर कब्जा करने के लिए, कामदेव को भेजते हैं, कामदेव अपने नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, तो नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं, गर्व से फूले नहीं समाते, सोचते हैं कि बस अब तो कुछ बाकी नहीं है, अब तो सब कुछ हो गया, मैंने काम को जय कर लिया, उसके बाद मुझे क्रोध भी नहीं आया, तो मेरे जैसा अब कौन है। तो जाते हैं शंकर जी के पास और उनको सब सुनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो सोचते हैं शंकर जी बहुत प्रशंसा करेंगे, पर शंकर जी उनको बोलते हैं, नारद जी बार बार बिनउ मुनि तोही, जिमियह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि सुनावो चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंकर जी विनती करते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से कामजय की कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह श्री हरि को कभी मत सुनाना, अगर वो बोले भी, चर्चा हो तब भी मत सुनाना। तो नारद जी सोचे ये तो शंकर जी मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, शंकर जी को क्रोध आ गया था, मेरे को तो क्रोध भी नहीं हुआ, तो बोले नहीं नहीं उनकी बात सुनने से कोई लाभ नहीं है, अगर किसी को बताया नहीं तो लाभ क्या है, सब जानेंगे कि मैंने क्या किया है, विश्व में आज तक किसी ने नहीं किया। तो गए भगवान के पास, और हम जानते हैं कि भगवान ने देखा, क्या देखा, कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है। तो बोले भगवान, बेगी सो मैं डारी हूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। ये जो अहंकार उपजा है बेगी, मैं इसको जल्दी से जल्दी उखाड़ दूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा तो प्रण यही है कि मैं सेवक का हित करता हूँ, उसका विनाश मैं नहीं होने दूंगा। फिर हरि ने क्या किया, अपनी माया रची। अब हम लोग यहाँ आज से शुरू करेंगे, आज पूरा खत्म नहीं होगा शायद, पर जितना भी कर सकें, बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या किया भगवान ने, बिरचेउ मगमहु नगर तेही, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बिरचेउ, विरचना, रचना की, क्या करी, 100 योजन एक नगर की, शत योजन विस्तार, जिसका विस्तार 100 योजन था,
श्रीनिवासपुर ते अधिक, उसमें उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। क्यों ना हो, पूरा माया का नगर था। और वहां पे कौन कौन बसते थे? बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी, तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से काम देव और रति ही मनुष्य शरीर मानो धारण किए हुए हो। और उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य हाथी घोड़े और बहुत बड़ी विशाल सेना थी। तो ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब है, जैसे माया की रची हुई नगरी वहां है, वही ये पूरा संसार जिसमें हम रचे पचे हैं, आनंद मना रहे हैं, ये पूरा संसार, ये जगत जो देख रहे हैं, ये सब माया नगरी है। क्यों? ये सब मन की रचना है। माया, भगवान ने माया फैलाई तो ये भी वैसी है। और उसके वैभव के बारे में कहते हैं, यहाँ तो हम वैभव देख ही रहे हैं, आप लोग सब और भी ज्यादा जानते हैं। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमो जिसु रूप निहारी। तो उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। और उसमें कौन बसती थी? उसमें बसती थी मूर्तिमान माया, विश्व मोहिनी तासु कुमारी। उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी राजा की। श्री विमोह जिसु रूप निहारी, तो वैकुंठ से तो अधिक सुंदर नगर था। और एक कन्या ऐसी थी कि लक्ष्मी जी भी देख के सकु जा जाए कि इसका रूप सौंदर्य कितना है। तो समझ लीजिए, भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि बस कोई भी जिससे नहीं बच सके। तो इस विश्व मोहिनी कन्या के बारे में कहते हैं, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित मही पाला। सोई हरि माया सब गुण खानी, सब गुण थे उसमें, उस माया की नगरी में, सबसे सुंदर नगरी संसार में, उसकी शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो उस विश्व मोहिनी सुंदर कन्या क्या कर रही थी वहां पे? करई स्वयंवर सो नृप बाला, नृप की पुत्री, राजा की पुत्री, राजकुमारी क्या कर रही थी? स्वयंवर करना चाहती थी कि अपना पति, अपना वर मैं खुद ही चुनूंगी। और उसके लिए वहां पे कौन कौन आए थे? आए तह अगणित, असंख्य राजा, क्योंकि इतनी सुंदर राजकुमारी, सब लोग उससे शादी करने के लिए आए थे। अगणित महीपाल, महीपाल यानी बड़े बड़े राजा सब आए थे। तो देखिए माया की क्या विशेषता है कि नगर तो अभी बना, नगर तो इसी क्षण बना है, इसी क्षण में राजा भी हो गया, राजा की शादी भी हो गई, राजा की शादी होके उसकी एक बेटी भी हो गई जो शादी लायक हो गई, और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर देश देश के राजा भी आ गए। तो माया में देश काल का कोई नियम नहीं रहता, सब कुछ मन का खेल रहता है, ये दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो अब नारद जी जा रहे थे वहां से, नारद जी सुने कि ये सब हो रहा है तो उनके मन में बड़ा ये आया, कौतूहल आया कि चलो भाई देखें जाके क्या है। मुनि कौतुकी नगर
ते ही गयऊ पुरबासिन सब पूछत भय हूँ। सबको पूछे भाई अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इतना शान बान सब राजा लोग आ रहे हैं, बात क्या। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सब सुने, चलो भाई देखते हैं। भूप गृह आए समझ, अब नारद जी को सब जानते हैं तो सीधा राजा जी के महल में चले गए। राजा जी पहचानते भी नारद इतने बड़े भक्त, तो करी पूजा, उन्होंने नारद जी की पूजा करी। मुनि बैठाए, मुनि को बैठाया आदर आदर से। तो भाई इतने बड़े संत आए हैं तो उनसे कुछ पूछना चाहिए ना कि क्या होना है बाद में, इस कन्या को मेरी अच्छा वर मिलेगा कि नहीं, क्या गुण है क्या दोष है, कैसे निवारण किया जाए अगर कुछ अशुभ है तो, संत लोग बताते हैं। तो राजा ने सोचा ये अवसर खोना नहीं चाहिए, तो क्या करा उन्होंने, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी। तो नारद जी को आनी दिखाई, नारद जी को उन्होंने दिखाया क्या, अपनी कन्या को बुलाया, विश्वमोहिनी कन्या को, राजकुमारी को बुलाया। बोले महात्मा देखिए मेरी बेटी है, क्या करना है, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार, आप विचार के देख दाख के बताइए गुण दोष क्या है, क्या होने वाला है इसका, क्या भविष्य है इसे बताइए। तो अब देखिए, अब यहां से आध्यात्मिक प्रसंग शुरू होता है। अब एक एक शब्द पे हम गौर दें तो आनंद आएगा। अब देखिए ये राजकुमारी जो है यह माया का अंग है कि नहीं, सब भगवान की माया है। माया में दरअसल गुण होता ही नहीं है, माया में अच्छा कुछ है ही नहीं। माया तो भक्त के लिए, साधकों के लिए सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि माया को त्यागे बिना भगवान तक नहीं पाया जा सकता, भगवान को नहीं पा सकते। माया के प्रति आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, तो अगर माया में कुछ अच्छा होता तो भगवान त्यागने को क्यों कहते। तो राजकुमारी माया का अंग है, उसमें गुण तो कुछ हो ही नहीं सकता माया में, तो उसमें जो गुण दरअसल है ही नहीं, जो दिखता है वह असल में दोष ही है माया में, माया में गुण हो ही नहीं सकता। और माया के गुण जब दोष ही हैं तो जो माया में गुण दिख रहे हैं वह नारद को ठगने के लिए है कि नारद जी इसमें फंस जाए, फंस के ही उनको चेत होगा, फंस के ही उनका अहंकार जाएगा। तो इससे क्या सिखावन है, सिखावन है कि माया के जो गुण दिखते हैं वे अंत में दोष रूप ही सिद्ध होते हैं, उसमें सार वस्तु कुछ नहीं है। अंत में नारद जी को माया से मिला गया, कुछ नहीं मिला है कि नहीं, तो जो माया के पीछे दौड़ रहे हैं नारद जी की अवस्था होगी। तो नारद जी जो गुण कन्या में देखेंगे वे असल में दोष ही हैं। तो रामचरितमानस में कहा गया है, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो, माया कृत, माया से रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं, पर असल गुण क्या है, गुण यह उभय न देखें, देखिय सो अविवेक। जो माया में गुण देख रहा है या दोष देख रहा है उसको विवेक हुआ ही नहीं है। अरे भाई जो चीज है ही नहीं उसमें गुण क्या है। साधक भले ही दोष देखे वो तो ठीक है, समझ भी आता है, उससे वैराग्य हो, पर जो माया में गुण देख रहा है उसको तो विवेक हुआ ही नहीं है, है कि नहीं। हम लोग गुण देख रहे हैं बोले बोल के तो यहां पे बैठे हैं, नहीं तो भगवान के पास होते। तो
अब नारद जी के पास कन्या को बुलाया गया, अब क्या हुआ देखिए। वो तो विश्व मोहिनी थी, माने भगवान की रची भी माया थी ना। तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बिरति माने वैराग्य। जैसे ही नारद जी ने उसका रूप देखा, विरति बिसारी, वैराग्य भूल गए, और क्या हुआ, बड़ी बार लगी रहे निहारी, निहार रहे उसको, निहारते ही जा रहे हैं, उसकी ओर देखते ही जा रहे हैं। फिर लक्षण तासु बिलो की भुलाने, उसके लक्षण देख मुनि अपने आप को ही भूल गए। जब देखा उसके लक्षण कितने शुभ हैं, सब माया का किया हुआ, तो मुनि अपने आप को ही भूल गए। और हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, हृदय में अपार हर्ष हुआ कि अरे अद्भुत लक्षण, लक्षण हम लोग देखेंगे बाद में, बोले अद्भुत है, माने ये तो एकदम, इस कन्या से जिसका विवाह होगा वो तो उसका बेड़ा पार, ये हम लोग बाद में देखेंगे क्या क्या है। तब उस ये जो पंक्ति है, ये जो इसकी एक इसका एक एक शब्द, इस पर हम गौर करें, इसमें बहुत कुछ कह दिया तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में। तो आइए देखते हैं, देखी रूप मुनि विरति बिसारे, बड़ी बार लगी रहे निहारे, टकटकी लगाए देखते रहे, विरति बिसारी, वैराग्य चलता बना, और लक्षण तासु बिलोक भुलाने, भूल गए अपने आप को। अपने आप को भूलना माने क्या, उनका ज्ञान भी चला गया। तो रूप देखकर वैराग्य पहले ही चला गया था, वैराग्य चला जाए तो ज्ञान रह ही नहीं सकता। वैराग्य जब चला गया तो ज्ञान भी पीछे पीछे चला गया। जब दोनों चले जाते हैं तब क्या होता है, मोह होता है। तो देखिए पहले जाए, जब भगवान के पास जब जाते हैं नारद, पिछली बार हमने जो देखा, भगवान के पास जाके उन्हीं अपने काम जाए की पूरी कहानी कहते हैं, तो भगवान ने क्या कहा था, गौर किए, गौर करें, सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तो नारद जी ने जब कहा था, भगवान ने क्या कहा, बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मुनि आपके लिए, क्योंकि मोह तो उसको होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, पर आप तो ज्ञान वैराग्य की मूर्ति है, तो आप काम जय करेंगे, इसमें बड़ी बात ही क्या है। तो देखिए किसको मोह होगा, जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जब वैराग्य चला जाएगा, ज्ञान को जाना ही है और मोह को आना ही है। तो यहां प्रथम वैराग्य का नाश हुआ, फिर ज्ञान का नाश कहा, क्योंकि वैराग्य से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक और जगह कहते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। अगर धर्म ठीक ठीक पालन किए हैं तो विरति होगी, रति यानी आकर्षण, विरति यानी वैराग्य। और तुलसीदास जी और भी कहते हैं, ज्ञान की होई विराग बिनु, विराग के अलावा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, वैराग्य के बिना ज्ञान जो होगा वो तो वो ज्ञान है। तो अतएव पहले कारण गया तब कार्य चला गया, क्योंकि वैराग्य कारण है, ज्ञान कार्य है, जब कॉज नहीं रहा तो इफेक्ट कैसे रहेगा। और भुलाना ज्ञान का नाश होना, ज्ञान गया, अतः हृदय हर्ष, हृदय में अपार हर्ष हो रहा है नारद जी के, कि उपाय करने से, इतनी सुलक्षणी कन्या है, उपाय करने से हमें भी मिल सकती है,
तो लक्षण देख हृदय में आनंद के मारे विपरीत अर्थ उन्होंने समझ लिया। जब अज्ञान आता है तो अर्थ विपरीत समझ लेते हैं, ठीक को अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा समझ लेते हैं। नहीं प्रकट बखाने, प्रकट उन्होंने वर्णन नहीं किया। राजा ने क्या पूछा था, भाई इसके सब गुण दोष हमें बताइए, पर नारद जी ने बात छुपा ली। बोले कि इतने गुण हैं, अगर मैं बता दूं तो मनुष्य राक्षस देव देवता सब इस कन्या को पाने के लिए आ जाएंगे, तो कंपटीशन मेरा बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने गुणों को छुपा लिया। तो गुण प्रकट नहीं किए उसके। अब देखिए एक के बाद एक कैसे आता है। वैराग्य पहले गया, ज्ञान गया, अब छुपाना भी चालू हो गया। तो अर्थात माया ने नारद जी की आत्मदृष्टि हर ली और साधारण जीवों की तरह इंद्रिय के विषयों में उन्हें आसक्त कर दिया। रूप विषय पा नेत्र द्वारा हृदय में हर्ष भर गया, उसकी प्राप्ति के लिए वे सकाम हुए। पहले निष्काम थे, कुछ नहीं चाहिए था उन्होंने, अब सकाम हो गए। जैसी कामना आई ये सब दुर्गुण अपने आप आ गए। तो लक्षण भी प्रकट नहीं किया उसने, राजा ने जो पूछा तो उन्होंने नहीं कहा। एक के बाद एक ये सब होता गया, चेन, एक चेन जैसे, एक के बाद एक। एक दोष के, एक दोष आया उससे दूसरा दोष पैदा होता गया। तो जब हाथ उनका दिखाया राजा ने अपनी कन्या का, तो उन्होंने मनगढ़ंत कुछ गुण दोष बता दिए, हम देखेंगे। और दिल में उनके एक ही, अब बात एक ही है कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तो कामना के साथ कपट आ गया, कपट जब आया तो मिथ्या भी आ गया। तो ऐसे कौन से लक्षण थे उस युवती में, माया के द्वारा निर्मित युवती में ऐसे कौन से लक्षण थे जो नारद जी ने प्रकट नहीं किए, जो असाधारण थे, वो देखते हैं। वो क्या लक्षण देखा उन्होंने, जो ए बरई अमर सोई होई, जो इस युवती को, जिससे विवाह होगा, इस युवती का वरण होगा, वह अमर हो जाएगा। और समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। और क्या होगा, से वही सकल चराचर ताही, उसको सब लोग, चर अचर प्राणी, सारा विश्व उसकी पूजा करेगा जिससे इस युवती का विवाह। बरई सील निधि कन्या जाही, जाही जिसको ये बरेगी, इतनी सुशील है ये, जिसको ये, जिससे विवाह इसका होगा वो पहले तो अमर हो जाएगा, दूसरी बात उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत पाए, तीसरी बात चर अचर सारे प्राणी उसकी पूजा करेंगे। अब देखिए मूर्ता की एक परिकाष्ठा देखिए, कोई भी व्यक्ति संसार में अमर हो सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, मृत्यु शरीर में निश्चित है, और कुछ न हो मृत्यु होगी। और नारद जी ये भी भूल गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जे ए ही बरे अमर से सोई होई, वो मृत्यु को जीत लेगा और त्रैलोक की विजयी होगा, तीनों लोक में उसे कोई नहीं जीत पाएगा, और समस्त ब्रह्मांड का राजा होगा। अब पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि लक्षण तासु बिलोक की भुलाने, भुलाना मतलब अब ठीक बात को उल्टी समझ रहे हैं, भूल गए कि कोई व्यक्ति अमर हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या था,
ये नारद जी समझे कि जो इसको ब्याहेगा वह मृत्यु और शत्रु को जीतकर ब्रह्मांड का राजा हो जाएगा। पर असल में ये नहीं था, लक्षण ये था कि जो अमर है, पूरे विश्व का स्वामी है, जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, वही इस कन्या को ब्याहेगा। तो ऐसे तो एक ही है ईश्वर। नारद जी पूरा उल्टा समझ गए। नारद जी समझे जिसके जिससे इसका ब्याह हो जाएगा वह ऐसा ऐसा होगा, पर यह अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था ऐसे लक्षण जिसमें होंगे, जो अमर है, विश्व का पूज्य है इत्यादि, वही इसे ब्याह सकता है। तो यही होता है, जब अज्ञान आ जाता है तो हम पूरी बात उल्टी समझ लेते हैं। तो नारद जी ने पूरी बात उल्टी समझ ली। अब क्या हुआ, लक्षण सब बिचारी उर राखे। उर माने हृदय। ये सब लक्षण जो ने उल्टी समझ ली थी, सब विचार कर ली और उर राखे हृदय में रखी। कछुक बनाई भूप सन भाषे। भूप यानी राजा, कछुक बनाई कुछ और बना दिया। भूप सन भाषे, भाषे माने उनसे कहा। तो ये सब लक्षण तो बताया नहीं, कुछ बनाकर राजा से बोल दिया। और सुता सुलक्षण कही नृप पाही। राजा से लड़की के सुलक्षण जो मन में आया उन्होंने बोल दिया। नारद चले सोच मन माही। और एक ही चिंता लेकर वे चले वहां से। तो लक्षण सब विचारी उर राखे। राजा ने प्रार्थना की थी कि भाई कहो नाथ गुण दोष सब। पर यहां पे तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, विचार कर जानकर हृदय में हृदय की बात रख ली, राजा से कुछ नहीं कहा। कछुक बनाई भूप सन भाषे की विशेष गुण तो उसके हृदय में रखे, बताया नहीं, और कुछ सामान्य गुण प्रकट कर दिए। तो उत्तम गुण सब हृदय में गुप्त रखे, उनमें से तो एक भी प्रकट नहीं किया। और कहे कि भाई थोड़े से हैं, ठीक है, साधारण कन्या है, जिससे कन्या का महात्म्य सबके सामने ना प्रकट हो। तो देखिए, माया के विवश होकर अब इतने बड़े मुनि ने कपट भी किया, पेट में कुछ मुंह में कुछ, तो एक से एक फंसते जा रहे हैं अंदर। तो पहली बात तो यह है कि गुण उन्होंने पूरे नहीं कहे, मन घड़ंत कुछ कह दिया। और दूसरी बात और है, ये राजा ने उनसे पूछा था भाई गुण और दोष दोनों बोलिए। दूसरी बात ये कि दोष तो कहे ही नहीं, खाली गुण ही कहे, वो भी थोड़े से, है कि नहीं। तो भाव इस समय ये है, अब कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, उसमें कोई दोष तो रहेंगे, मनुष्य तो मनुष्य है। तो इसमें भाव क्या है, देखिए आध्यात्मिक तात्पर्य इसका देखिए। भाव ये है कि नारद जी माया के ऐसे वश में हो गए हैं, उस माया रूपी स्त्री को देखकर उसमें उन्हें दोष दिख ही नहीं रहा है, उसमें गुणी गुण दिख रहे हैं। भी जो हमारी अवस्था, हमें संसार में दोष दिख ही नहीं रहा, हमें सब गुणी गुण दिख रहा है। हमें आइसक्रीम दिख रहा है, हमें स्टारबक्स कॉफी दिख रही है, हमें पति पत्नी नाती नातनी और क्या क्या सब दिख रहा है, पुत्र पौत्र। हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें इसमें दोष दिख ही नहीं रहा, रोग शोक जरा बुढ़ापा मृत्यु ये सब दिख ही नहीं रहा कुछ। ये तभी समझ आता है जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आके फिर कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये देखिए तात्पर्य कि नारद जी इतने अंधे हो गए कि उस माया में उन्हें दोष दिख ही नहीं रहा। अगर दोष दिखाई पड़ता तो उसे पाने की इच्छा क्यों करते। तो हमें अगर संसार में जो दोष है वे दिखाई पड़ते तो क्यों संसार के पीछे भागते। हम तो इसलिए भाग रहे हैं कि हमें दोष दिखते ही नहीं, उसमें हम अंधे हो गए। तो अब नारद जी चले, नारद जी के मन में एक ही विचार,
करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। अब जाकर सोच विचार कर मुझे एक ही उपाय करना पड़ेगा, एक ही मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है। क्या? जेहि प्रकार, जिस प्रकार मोहि बरै मेरे को वरण करे यह राजकुमारी, और किसी को नहीं, बस, और सब भूल भाल के खत्म। तब क्या हुआ? जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उस समय जब तप कुछ हो ही नहीं सकता, जब तप कैसे होगा। अब एक ही विचार है कि हे विधि, विधि यानी हे विधाता, मिलई कवन विधि, किस विधि से, किस उपाय से यह मुझे मिल जाए। बस और कुछ उनके दिमाग में है नहीं, बस मन में एक ही विचार है, अब मिल जाए किस तरह से, पर मिले तो कैसे, आसान थोड़ी है। देश विदेश से राजा हैं, है ना, राजा सब रूपवान यंग लोग हैं, शूरवीर हैं। अब कन्या जब वरमाला लेके घूमेगी तो साधुत्व थोड़ी विचारेगी कि कौन कौन भगवान का भक्त है, ये थोड़ी विचार के कन्या अपनी राजमाला देगी उसको। कन्या क्या देखेगी, वो तो रूप देखेगी, शौर्य देखेगी, बल देखेगी राजा में, और क्या देखते हैं लोग। तो अब नारद जी देख रहे हैं मुझ में ना तो रूप है ना बल है। अब सोचते हैं कि भाई मेरा जो गुण है उससे तो मुझे मिलने वाली नहीं है, अब क्या उपाय करें। अब ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि कन्या किसी तरह स्वयं ही रीझ कर, मैंने ऐसे मेरे को देख के इतनी प्रसन्न हो कि खुद ही वरमाला मेले में डाल दे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और जब तब तो कछु न होई ते ही काला। अब ऐसा नारद जी आखिर थे तो बहुत बड़े महात्मा, तो सोचे कि भाई शायद जब तप करने से कोई मेरे को विशेष शक्ति प्राप्त हो जाए, पर उस काल में जब तप हो नहीं सकता। क्यों? जब होने के लिए, तप होने के लिए पहली आवश्यकता ये है कि मन हमारे हाथ में हो। मन तो बिक गया है, जैसे हमारा मन वैसी नारद जी का हो गया, मन तो बेच के आ गए हैं, कुछ शॉपिंग मॉल में छोड़ के आ गए हैं, कुछ बर्थडे पार्टी में देके आ गए हैं, कुछ और दूसरी चीज में देके आ गए हैं, कुछ यूरोप घूम रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, यही मन में, तो उससे जब तक होगा कैसे, असंभव, वैराग्य बिना हो ही नहीं सकता। तो बेचारे अब करें तो करें क्या, तो ये सोच रहे हैं कैसे कैसे ऐसा कुछ करूं कि बस वरमाला मेरे गले में पड़ जाए। तो यहाँ पूजनीय खंडानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब उनका पढ़ रहा हूं मैं, सुता सुलक्षण कही नृप पाही। राजा से बस इतना ही कहा कि तुम्हारी पुत्री बहुत सुलक्षणा है। और जब नारद जी वहां से चले, मन में सोच विचार है, उधेड़ बुन है कि जाकर ऐसा कुछ यत्न करूं जिस प्रकार से यह कन्या मुझसे विवाह कर ले। तो अब जब तक होता नहीं, माला फिरती नहीं है, माला छूट गई, तब तो बनता ही नहीं है। तो जब कामना का आधिक्य आता है तो मनुष्य की साधना भी छूट जाती है। अब तो यही सोचने लगे विधाता बस ऐसा कुछ कर दे। क्या? हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब यह कन्या मुझे कैसे मिले, इस समय तो परम शोभा विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर ही यह कुमारी मेरे भी गले में माला पहना दे। तो यही कहते हैं अगले दोहे में, ए अवसर चाहिय परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मेले जयमाल। ऐसा चाहिए रूप, शोभा ऐसी चाहिए जिसको देखकर ही कन्या प्रसन्न हो जाए और मेरे गले में जयमाला डाल दे। पर मिलेगा कैसे,
अब भगवान जिसको जैसा बनाया बेचारा वैसा ही तो रहेगा, अब कहाँ से उनको रूप मिलेगा। हाँ, कोई जादू तो है नहीं, पर यहाँ तो जादू ही चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता। तो जादू कौन कर सकता है? जादू वही कर सकता है जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। अब नारद जी की बुद्धि इतनी बिगड़ी नहीं थी कि उन्हें ये समझ नहीं आया, उन्हें ये समझ आ गया एक ही है जो कर सकते हैं, उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो बोले, हरि सन मांगो सुंदर ताई। अब हरि के पास जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा, और कोई सहायता नहीं कर सकता। और दूसरी बात नारद जी ने बहुत बड़ी कही, ये बात इसी एक बात ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि है तो संत महात्मा, थोड़े एक क्षण के लिए विचलित भी हो जाए उनका विनाश नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, जो सार बात है जीवन में। पहले तो बोला हरि सन मांगो सुंदर ताही, उसके बाद मूल बात कह दी, मोरे हित हरि सम नहीं को। ये दूसरी लाइन है, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मेरा हित जिस तरह भगवान चाहते हैं, श्री हरि चाहते हैं, और कोई नहीं चाहता, ये एक बात ने उन्हें बचा लिया। वो ये नहीं भूले कि मेरा सच्चा हितैषी त्वमेव माता च सखा त्वमेव, वे भगवान ही है। और इसीलिए इस समय वे ही सहाय सोई हो, मेरे सहायक वो ही होंगे। तो हरि संग मांगो सुंदरताई, अब उनसे ही जाके मेरे को यह सुंदर विशाल शोभा मांगनी पड़ेगी। उन्हें उनमें सामर्थ्य भी है कि वे मुझे ऐसा दे सकें, तो उन्हीं से क्यों नहीं मांगू मैं, और किसी से क्यों मांगू। ये एक विचार ने नारद जी को बचा लिया, ये भगवान के पास ही गए और कहीं नहीं गए। तो देखिए मजे की बात, एक और दृष्टि इस पे डालते हैं, छोटी सी चौपाई में कितनी चीज, कितनी बात कह दी है तुलसीदास जी ने। तो देखिए यार, माया नारद जी को ठगने आई है, लेकिन नहीं, नारद जी को बुलाने आई है। अब नारद जी उल्टे माया को ठगना चाहते हैं, कैसे? बोले, मेरे पास तो रूप नहीं है, पर माया को बेवकूफ कैसे बनाना पड़ेगा? अरे भाई, मांग कर रूप ले लो। समझ लीजिए कोई धनी आदमी बनना चाहता है, तो क्या करा, उसके पास पैसा वैसा है नहीं, अब किसी पार्टी में घुसना है उसको, घुसने तो देगा नहीं, दरवाजे पर ही उसको दरवान रोक देगा, तो क्या करेगा? किसी के पास गया, अरे भाई अपना सूट बूट मुझे उधार दे दो, एक गाड़ी एक दिन के लिए किराए पर ले लें, तो जाएंगे लोग समझेंगे मेरी है, तो लोगों को बेवकूफ बना के वहां घुस जाएंगे। नारद जी एक ही चीज कर रहे हैं, वे माया को ठगने के चक्कर में हैं। माया ने अपना रूप दिखाकर नारद जी को मोहा, नारद जी मंगनी का रूप दिखाकर माया को मोहना चाहते हैं। क्या जबरदस्त बात कही। पर नारद जी भूल गए कि माया पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, माया तो भगवान की शक्ति है। माया पर विजय प्राप्त करना यानी माया को जीतना, कोई भगवान को कैसे जीत सकता है? माया से तो हम बच सकते हैं, माया को जीत कोई नहीं सकता। तो अगर आप लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़े तो श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं क्या, कि भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान मुझे इस माया से बचाओ, मेरी रक्षा करो, कि तुम्हारी माया से मैं भूलू नहीं। ये एक ही उपाय है बचने का, अगर भगवान बचा ले तो, और कोई उपाय नहीं। तो प्रार्थना करते रहने से भगवान बचाते, जिस नारद जी ने प्रार्थना की।
तो देखिए, माया की शक्ति के बारे में रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर पंक्ति है। जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं वेद, वेद भी एक भगवान की स्तुति करते हैं, उत्तरकांड में है, तो क्या कहते हैं, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अर्ग अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। तब विषम माया बस सुर असुर नाग नर पूरा संसार आपके विषम माया के वशीभूत है, और काल काल कर्म और गुण से भरी हुई है ये माया, और दिन रात अनंत भव में मार्ग में हम लोग माया के कारण भटक रहे हैं। तो उपाय क्या है, हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, माने आपकी कृपा जिन पर बरसी, वे ही इस माया से मुक्त होकर सब दुखों से छूट सकते हैं। तो इसीलिए हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। भव खेद, खेद माने दुख, इस संसार में जो दुख है, छेदन दक्ष, दक्ष यानी दक्ष जो एक्सपर्ट है इस संसार के दुख को छेदन करने में, विनाश करने में जो दक्ष है, वही भगवान श्री राम नमामय, उनकी हम पूजा करते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। एक 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 शब्द जो है अमृत तुल्य है। तो यह जब माया का प्रकोप है तो बेचारे नारद जी कैसे सोच सके कि मैं माया को भी ठग लूंगा, असंभव है, संभव नहीं है। तो और उसमें एक लाइन क्या थी, उसमें एक लाइन यह थी जो बाद में, उसका कनेक्शन बाद में है, क्या थी, हरिसन मांगम सुंदरताई होई ही जात गहरू अति भाई, यह था उसके बाद। तो ये अलग अलग इसका अर्थ है, इसका अर्थ कि भाई होई जात गहरू अति, यानी उनके निवास स्थान में जाने में बहुत देर लग जाएगी मेरे को, तो बहुत दूर रहते हैं, हरी बहुत दूर है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हरी जहां माया रहती है वहां से बहुत दूर है। देखिए, तो वहां जाते जाते बहुत देर लग जाएगी, तब तक तो स्वयंवर अंबर हो जाएगा, तो क्या करें, बोले भाई हरि को बुलाना पड़ेगा, हरि हमारे पास आ जाए तो जान बचे। ऐसा हरि तो सर्वत्र है ना, भगवान सर्वत्र है। तो भाई माने बात ये कि हाल बेहाल है, नारद जी का दिमाग पर उनके पूरा पर्दा पड़ गया है, सर्वनाश होने वाला है। पर एक विचार ने उन्हें बचा लिया था कि हरि ही मेरे हितकारी हैं, मोरे हित हरि सम नहीं को, वे ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, जो सच्चा हितैषी है वही समय पर काम आता है। तो बोले भाई हरि, हरि का अर्थ क्या है, हरि का अर्थ है क्लेशम हरति इति हरि, जो हमारे क्लेश को हर ले, दुख को हर ले। तो इस समय हरि ही मेरे काम आएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भक्तों को यदि कोई कामना भी होती है तो वे औरों किसी के पास नहीं जाते, कोई पॉलिटिशियन के पास नहीं जाते, कोई सेठ जी के पास नहीं जाते, वे भगवान के पास ही जाते। तो गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और कामी भी भक्त है, जो संसार को चाहता है वह भी अगर भगवान पर ही भरोसा करे सांसारिक वस्तु को पाने के लिए तो वो भी भक्त बने। भगवान सबको लेना चाहते हैं, भगवान किसी को बाद नहीं देना चाहते, बोलते हैं कि संसार की कामना अगर तुम में है भी
तो वह भी उसके लिए भी तुम मेरा आश्रय ग्रहण करो, किसी मनुष्य के पास मत जाओ। उससे क्या होगा, भगवान पर धीरे धीरे आस्था बढ़ेगी और वह संसार की कामना भी चली जाएगी। तो नारद जी तो इतने बड़े भक्त थे, संत थे, तो वे किसी और के पास क्यों जाने लगे। तो जब ऐसी हालत में भी भगवान के पास ही गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब आप ही आइए। बहु विधि विनय की ही काला, बहु विनय के बहुत प्रार्थना की, भगवान कुछ ऐसा करिए। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान आ गए, प्रकट हो गए। भगवान तो सब जगह है, आपने वो भजन सुना है, हम लोग जो गाए हैं कई बार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उसमें एक लाइन है, उसमें एक लाइन है ना जी, कहाँ आप जाते हैं, जो पुकारता है उसके पास ही जाते हैं, ऐसा एक लाइन है, मेरे को शायद बाद में याद आया। तो भगवान सब जगह है, जो पुकारा उसके पास चले गए सच्चे मन से, जिसने बुलाया। तो भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी के सामने प्रकट हो गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे प्रसन्न है, जब प्रसन्न है तभी तो व्यक्ति मुस्कुराता है ना। तो क्यों प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है कि यदि कोई पूछे, महाराज जब नारद जी जैसे महापुरुष के मन में भी अहंकार आ गया तो उनमें और साधारण व्यक्ति में फिर फर्क ही क्या रहा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि फर्क उन्हें दिख गया है। क्या फर्क है, भगवान ने कहा एक अंतर फिर भी रहेगा, क्या संसार में जो आसक्त हैं और नारद जी में जैसे संतों में एक अवसर फर्क जरूर रहेगा, क्या जो संसार में बिल्कुल आसक्त हैं उनके मन में तो अभिमान आ जाएगा, वे अपने किसी से छोटे को ढूंढेंगे। काम अगर उनमें आया, संसार की वासना आई, तो संसार में किसी सौंदर्य की ओर बढ़ेंगे। क्रोध आएगा तो जिन पर क्रोध आया उनके विनाश की चेष्टा करेंगे। पर देखो नारद मेरा भक्त धन्य है, उसमें अभिमान आया, कामना आई, क्रोध आया, पर वो आया मेरे पास। यह बात है। तो भगवान हंसे क्यों, भगवान को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि नारद जी यद्यपि बुराइयों से घिर गए हैं पर सब कुछ लेकर मेरे पास ही आए। माँ शारदा देवी कहती है कि छोटे बालक, छोटा बच्चा तो अपने गंदा करते ही रहता है, पर माँ थोड़ी वो सब देखती है, माँ का तो कर्तव्य है कि अगर वो उसके पास आए तो उसे साफ सुथरा फिर कर देना, वो तो अज्ञानी में जानता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं नारद, आ जाओ, और नारद की बुराई को शीघ्र ही दूर कर देते हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो बहुत स्तुति की पहले नारद जी ने कि भाई महाराज भगवान आपने कितने भक्तों को बचाया है, हाँ कृपालु हैं, संतों के हितैषी हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, प्रकट हो जाइए। भगवान प्रकट हो गए। तो हाँ वो लाइन जो है मैं बोल रहा था, जो वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे में उसमें एक लाइन है, वहीं गए, भगवान कहाँ जाते हैं, वहीं गए जहाँ गए पुकारे नाथ नारायण वासुदेव। तो कबीरदास जी भी कहते हैं ढूंढोगे तो मिलेंगा पल भर की तलाश में। कोई सच्चे मन से भगवान को ढूंढता है तो भगवान आ जाते हैं। तो नारद जी के पास आ गए, और फिर इस पंक्ति में दूसरी लाइन क्या है, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, नयन जुड़ गया माने क्या, नयन एकदम शीतल हो गए, भगवान के दर्शन पाकर नारद जी के नयन शीतल हो गए। और दूसरी बात उन्होंने क्या सोची, हो ही काजू, अभी तक माया गया नहीं है, हो ही काजू, अब तो मेरा काम हो गई, हो ही काजू, हियर, हियर माने हृदय में हर्षाने,
अब भगवान जब मेरी सहायता कर रहे हैं तो वो कन्या मुझे मिलेगी, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो भगवान आ गए, बोले बेटे पूछो, नारद जी बोलो क्या चाहिए। तो अति आरती कही कथा सुनाई, आरती माने यहाँ ये आरती नहीं, आरती माने आर्त, दुख से माने व्याकुल होकर पूरी कथा सुनाई, भगवान वह कन्या मुझे दिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। करहु कृपा करी हो सुहाई, कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनी, कृपा करी हो सहाई, मेरे सहायक बनी की किसमें सहायक बने, उस कन्या को दिलाने में। और कैसे मिलेगी कन्या वो भी भगवान जी को बता दिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही बोले प्रभु अब एक ही काम है, एक ही चीज से कन्या मिलेगी, क्या उपाय एक ही है, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, दूसरी तरह नहीं हो सकता। आन भांति नहीं पावो ओ ही, और किसी भी तरह मुझे वो कन्या नहीं मिल सकती, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो अखंडानंद जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, हरिसन मांगो सुंदरताए, तो बोले भाई भगवान इतने दिन भजन किया आपका, हम लोग सब इसी कैटेगरी में है कि इतना तो भगवान को बुलाया, क्या भगवान कुछ देते देते नहीं है, लॉटरी अभी तक उठी नहीं, हाँ तो बोले भगवान इतना भजन तो किया और अभी तक उनसे कुछ मांगा नहीं, तो अब मौका आ गया है, इतने दिनों तक भगवान की जो सेवा की उसकी पेंशन अब मिल जाएगी, अब तनख्वाह मिल जाएगी, अब लेना पड़ेगा। तो नारद जी सोचे भगवान के पास सुंदरता का खजाना है, अनंत सुंदर है, अब मांग लें इनसे, तो चले वैकुंठ में, पर वैकुंठ जाने में बहुत देर हो जाएगी, आने जाने का फिर झमेला भी तो है ना, तब तक स्वयंवर खत्म हो जाएगा, पर भगवान तो मेरे बड़े हितैषी हैं, वो मैं बुलाऊंगा तो जरूर आ जाएंगे, भगवान आ भी गए। तो बड़े आर्त से उन्होंने ये बहुत दुखी होकर बताई, भगवान बचाइए। तो जब संसार के प्रति मनुष्य भयंकर आसक्त हो जाता है तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि अब मरे तब मरे। तो अखंडानंद जी कहते हैं दिन भर में 17 दफे मरते हैं, 17 दफे जीते हैं, संसार में जो लोग आसक्त रहते हैं, मौत तो उनकी जीभ पर बसती है। संसार से आसक्त होना माने ऐसा होना, आज रोना 2 मिनट बाद हंसना फिर रोना, ऐसे ही चलता है। तो अति आरती कही कथा सुनाई, सब कुछ उन्होंने कहा और भगवान को ये भी बता दिया, मैंने ये भी भगवान पे नहीं छोड़ा कि कैसे सहायता करें आप करें, नहीं 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 मैं बताता हूँ कैसे सहायता करनी, कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। अब देखिए इन्हीं भगवान से जाकर नारद जी ने पूरे कथा कहती कही थी काम जय की, जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम क्रोध को जीत लिया, उन्हीं से अब कामना पूर्ति के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, ये माया है। तो अति आर्थ है, आर्थ तो हम सभी हैं, पर ये तो बेचारे अति आर्थ हो गए क्योंकि उस क्षण के लिए, यानी होश आवास ठिकाने नहीं है, चेत नहीं है। रामचरितमानस में कहते हैं कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। चित्त में चेतना नहीं रहती, माने सजगता उसकी चली जाती है, उनको स्वार्थ ही दिखता है, बस मुझे यह कैसे मिले और बाकी चीज से वो अंधे हो जाते। तो पर भगवान तो नारद जी को छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि तो भगवान तो जानते हैं ये मेरा भक्त है, ये तो कुछ क्षण के लिए विपत हुआ है, तो भगवान एक पहले तो उन्हें बचा लिए, क्या कि वो समझ गए नारद जी मेरा हित तो भगवान ही करेंगे, मेरे हितैषी वो ही है, ये पहली बात उन्होंने सोची, इससे बच गए। फिर एक बात नारद जी के मुंह से भगवान निकालते हैं जो उन्हें बचा लेती है,
वह क्या बात है? जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। ये बात संत के हृदय से ही निकल सकती है। क्या बोलते हैं? सब बोल बाल दिए, परंतु में भगवान ने उनके मुख से असल बात बता दी जो उन्हें बचा ली। क्या बोले? जिस विधि से नाथ मेरा हित हो वो जल्दी से करिए, मैं आपका दास हूं। तो अर्जुन ने भगवान की शरण ली थी ना कृष्ण गीता में, कि अब मुझे शिक्षा दीजिए, शादी माम त्वम प्रपन्नम। वही इसी से नारद जी बच जाते हैं कि भाई असल में मेरा जो हित है आप वही करिए। अब वो नारद जी सोच रहे हैं कि मेरा हित अभी उस कन्या को वरण करने में है, पर भगवान तो जानते हैं असल हित किस में है। तो ये उन्होंने कहा, जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा, करहु सो बेगी, जल्दी से करिए आप। उनको तो उतावली लगी हुई है ना, पर दास मैं तोरा, मैंने आपके आश्रय आपका आश्रय लिया। तो भगवान फिर मुस्कुराने लगे, निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। तो देव भगवान ने देखा कि भाई मेरी माया की भी बात देखो, मेरी माया की शक्ति देखो, कोई इससे बच नहीं सकता जब तक मेरी कृपा नहीं हो। तो हंसकर बोले दीन दयाला, जो दीनों के दयालु है, यानी जो दीनों पर कृपा करते हैं। क्या बोले हम लोग बाद में देखते हैं। तो भगवान ने देखा कि हमारी माया का बल तो बड़ा विशाल है, और भीतर ही भीतर भले ही हंसे, पर बाहर से नारद जी को मन ही मन भगवान खुद मन ही मन क्या बोले, जब उन्होंने नारद जी ने कहा कि भगवान जो मेरा परम हित है वही करिए आप, तो नारद भगवान मन ही मन क्या बोले होंगे? बोले भाई नारद ध्यान से सुनो, तुम्हारा परम हित विवाह करने में थोड़ी है। अरे बाबा तुम तो साधु हो, इतने दिन तुमने तपस्या की है, जप किया है, अब अगर विवाह कर लोगे तो उससे तुम्हारी क्या भलाई होगी? दुनिया में ईश्वर भजन की हंसी होगी कि इतने बड़े महात्मा ने जाके विवाह कर लिया, और मेरी भी बेइज्जती होगी। मेरे कृपा प्राप्त एक संत ने अंत में जाकर संसार में आसक्त हो गए। तो नारद सुनो, तुम्हारा हित अनहित हम समझते हैं, भगवान ने कहा हो मन ही मन, तो तुमने जो चाहा मैं वही दूंगा तुम्हें, तुमने अपना हित चाहा है मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। ये बात। तो भगवान क्या कहते हैं, जेहि विधि होइ परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। जेहि विधि परम हित तुम्हरी होई, जिस विधि से तुम्हारे परम हित होगा, नारद सुनहु मेरी बात सुनो, सोई हम करब मैं वही करूंगा, न आन और कुछ नहीं करूंगा, और वचन न मृषा, मृषा माने मिथ्या, मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकता, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जिसमें हित है मैं वही करूंगा। फिर भगवान उनको थोड़ा हिंट देते हैं कि ये नहीं हो सकता जो तुम अभी चाह रहे हो। क्या कहते हैं, कुपथ मार माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न दे सुनहु मुनि जोगी। हे योगी सुनो, कुपथ कोई मांगे जो रोगी है, अब रोगी डायबिटीज का है, मर रहा है डायबिटीज से, बोल रहा है मुझे आइसक्रीम दे दो भगवान, तो भगवान थोड़ी बेवकूफ है जो उसको उस समय जाके आइसक्रीम दे देंगे।
वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, वो अगर रोगी का भला चाहता है तो कुपथ उसके नहीं देगा उस समय। तो वैद्य न देही सुनहु मुनि जोगी, ये सुनो मेरे से कि तुम्हें रोग हो गया है, तुम्हें रोग हो गया है, मैं दवा दूंगा, मैं जो तुमको चाहिए ना मैंने वो दूंगा, नहीं मैं एही विदिहित तुम्हारु मैं ठयऊ, मैंने इसी तरह से तुम्हारा हित करने की ठानी है, निश्चय किया है। ऐसा कहकर क्या हुआ, कही अस अंतरहित प्रभु भयउ, प्रभु अंतर ध्यान हो गए, प्रभु चले गए। पर बेचारे नारद जी पर तो माया सवार थी सिर पर, माया विवश भय मुनि मूड़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूड़ा। माया के विवश थे बेचारे मुनि, मूड हो गए थे, तो समझी नहीं, नहीं समझ आया उन्होंने उन्हें क्या हरि गिरा निगूढ़ा, भगवान की गूढ़ वाणी को वे नहीं समझ सके। वे समझे कि बस अब तो मेरा विवाह उससे हो नहीं, और क्या किया उन्होंने, तुरंत वहां गए। गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। तो एकदम दौड़ के नारद जी गए, बोले अब तो कोई चिंता ही नहीं है, भगवान मेरे सहायक हैं, उन्होंने कहा है कि अपना रूप मुझे दे देंगे, रूप दे दिया फिर तो बस कोई चिंता ही नहीं है, विवाह होना ही है, विवाह होने से मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, सब लोगों को जीत लूंगा, सब चराचर प्राणी मेरी पूजा करेंगे। तो नारद जी स्वयंवर में गए, अब वहां क्या होता है हम अगली बार देखेंगे। तो आज यही समाप्त करें, रोचक पर बहुत शिक्षाप्रद भी है। नारद जी आज हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जीव का। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्ण परमहंस।